हाय फ्रेंड्स, गीत कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत में खाए जाने वाले साबूदाने वड़े। ज्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे साबूदाने वड़ा ठीक से नहीं बनते हैं, तो आज मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे दो तरीके के साबूदाने लिए हैं। आपके पास जो साबूदाना अवेलेबल है आप लीजिएगा। ये मीडियम साइज का साबूदाना है और ये मोती दाना साबूदाना है। तो आज हम मोती दाने साबूदाने से अपनी बड़े तैयार करेंगे। इनको हमें ओवरनाइट के लिए या 8 घंटे के लिए पानी में भिंगो के रखना है। देखिए, इस तरीके से हमने इसका पानी निकाल दिया है। हमारे जो साबूदाने अच्छे से फूल गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम एक कपड़ा लेंगे और इसको हमें अच्छे से फैला देना है। यही वो प्रोसेस है जिसके जरिए हमारा जो साबूदाना है बहुत ही अच्छे से तैयार होगा और हमारे जो वड़े हैं बहुत ही अच्छे से बनेंगे। सिर्फ ये प्रोसेस हमें 10 मिनट के लिए ही करनी है। हमने यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मूंगफली ली है हमने भुनी, उसकी लेयर को हमने निकाल दिया है। धनिया पत्ती, काली मिर्च, व्रत का नमक, आप नमक अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, और हरी मिर्च ली है हमने। यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं। अगर 100 ग्राम आपने साबूदाना लिया है तो 4 आलू लीजिएगा मीडियम साइज के, और इसका हमें फाइन पाउडर बनाना है। या दरदरा भी आप बना सकते हैं मूंगफली का। हमारे जो साबूदाने का पानी भी अच्छे से निकल गया है, देखिएगा। अब हम इसमें जो पाउडर बनाया था मूंगफली का वो इसमें ऐड करेंगे। आप दरदरा पेस्ट भी बना सकते हैं और थोड़ा फाइन भी बना सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हरी मिर्च लेना है हमको, इसको भी ऐड कर देना है। काली मिर्च लेना है, इसको भी ऐड कर देना है। और व्रत का नमक लेना है। व्रत का नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितना भी आप जैसा भी आप लेते हो। हरा धनिया, आप अगर व्रत में जीरा लेते हैं तो आप जीरा भी ले सकते हैं। और जो हमने आलू लिए थे उनको हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना था इस तरीके से। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और आलू की सहायता से ही हमें अच्छे से जो इसका एक डो की तरह तैयार कर लेना है। देखिए, इसी तरीके से। अब हम सबसे पहले कढ़ाई रखेंगे गैस पर, और लो टू मीडियम फ्लेम रखना है हमको। और यहाँ पे हम पीनट ऑयल का यूज कर रहे हैं, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम वड़े तैयार करेंगे। हथेली पे थोड़ा सा हम लेंगे और गोल गोल इसी तरीके से एक पेड़ा तैयार करेंगे, और हल्का सा हमें प्रेश करना है उसको इसी तरीके से। आलू की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो आपका जो वड़ा है ठीक से तैयार नहीं होगा और वो कढ़ाई में फैल जाएगा। तो आलू की क्वांटिटी को आप कम ही रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। इसी तरीके से हमें सारे बड़े तैयार करने हैं। एक और बनाएंगे हम, हल्का सा प्रेस करेंगे और गोलाई देंगे अच्छे से। देखिए, और इसी तरह से हमें सारे वड़े तैयार करने हैं। देखिए, सारे वड़े तैयार हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म है या नहीं। और सबसे पहले हम एक वड़ा लेंगे, हमें खट्टे सारे वड़े नहीं डालने हैं। अगर सारे आप वड़े एकदम से डाल देंगे तो क्या होगा, वो फैलने का डर होता है। और हमें चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना है। देखिए, जब थोड़ा सा लगे कि आपका एक वड़ा अच्छे से थोड़ा सा पक गया है, फ्राई हो गया है, तब आप सारे वड़े इसमें ट्रांसफर कीजिएगा। इसी तरीके से, जिस तरीके से हम कर रहे हैं इसी तरीके से। और हमें अभी इनको चलाना नहीं है बिल्कुल भी। जब लगे आपको थोड़ा सा ये पकने लगे हैं तभी हम इनको पलटेंगे, और जो बीच वाला था वो अच्छे से पक चुका था, हम इनको निकाल देंगे। इनको पलटेंगे,
मीडियम साइज के साबुदाने से भी आप बना सकते हैं, और जो मोती दाना साबुदाने से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है, अलग ही टेस्ट आता है इसका। बस आप मेजरमेंट का ख्याल रखिए और आपके साबुदाने बहुत ही अच्छे बनेंगे। उनका जो साबुदाने का जो पानी है पूरी तरह से सूख जाना चाहिए, क्लॉथ से आप उसको सुखा सकते हैं। इसी तरह से हमें सारे साबुदाने तैयार करने हैं। देखिए, एक डाला, उसके बाद हमें सारे डाल देने हैं। अब हम इनको भी निकाल देंगे और हमारे साबुदाने बड़े बनके तैयार हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। देखिए, आप चटनी के साथ, दही के साथ इनको सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, व्रत में आसानी से बन भी जाते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।